सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यू एस चैनल। सो आप मेरे पीछे एक डैम सा देख रहे हो, ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड डैम है। जयपुर के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड डैम है। आसपास का भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कॉलेज है ना, और ये डैम है। चलो डिस्कशन करते हैं। द पॉइंट इज़ रिलेटेड विद द कि प्रीलिम्स और मेंस का बैलेंस कैसे मेंटेन करें कमिंग मंथ्स में, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है, तो किस तरीके से करें। देखो प्रिपरेशन में ये चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हम जब प्रिपरेशन करें तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ जो हमें सामने है जस्ट हम उसी पर ध्यान दें। कोशिश ये करनी है कि जो आपकी पढ़ाई हो दिन भर की, वो स्लॉट वाइज हो। स्लॉट वाइज का मतलब है फ़िलहाल के लिए आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। मेंस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस स्पेसिफिक हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में भी आपको पढ़ना है और मेंस के लिए भी आपको पढ़ना है, वो भी चीज़ देखनी है, तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो जैसे आप कुछ सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए मतलब प्रीलिम्स के लिए भी हैं और मेंस के लिए भी हैं, दोनों में कॉमन है ये। तो जो आप स्लॉट प्रिपेयर करो दिन का, जैसे अगर आप दिन की शुरुआत करो तो दिन की शुरुआत में ही आप जो है एक अपना स्लॉट सेट करो लगभग 2 घंटे का, जिसमें अपना 2 घंटे आप ऑप्शनल को दो। फिर उसके बाद एक स्लॉट आपका जीएस के लिए हो। जीएस के लिए जैसे अगर आप स्लॉट रखते हो 3 घंटे का लगभग, तो उस स्लॉट के अंदर अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो साथ में ही हिस्ट्री के ही जब 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा तो आपने साथ में ही जो लास्ट ईयर के PIQs हैं उनको साथ में जो है वो साथ में आपने कर लिया, वो चीज़ आप कर सकते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए बनता है कि कंटिन्यूस बेसिस पे जो भी आप पढ़ें उसका क्वेश्चन का प्रिपरेशन भी करते जाएं। दूसरा एक एंगल है जो ध्यान में रखना है कि कॉम्बिनेशन मेथड लेकर चलना। जो ये जीएस का स्लॉट है इसमें जैसे आपने हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटी ले ली, या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट ले लिया, बट हर एस्पेक्ट में देखना है कि PIQs प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करें। एक दिन वीक के अंदर आपने रख लिया कि टेस्ट जो है मॉक टेस्ट है उनको प्रैक्टिस किया, हाफ एन आवर रखा, तो जो है आपने क्वेश्चंस पलट के देख लिए, जैसे टेस्ट सीरीज़ में अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में आते, तो ये सब कुछ आपको सेकेंड स्लॉट के अंदर करना। सेकेंड स्लॉट में वो सब्जेक्ट्स हैं आपको फोकस करना है जीएस के, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है। तीसरा स्लॉट आपका जो होना चाहिए जो कि इथिक्स, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स, आंसर राइटिंग, इन एरियाज़ पे आप लोग फोकस करो। तो ये 3 स्लॉट में डिवाइड करके आप फोकस करते रहें। जो थर्ड स्लॉट है इसका जो प्रपोर्शन है वो रिड्यूस होगा, और पहला जो स्लॉट है उसका प्रपोर्शन धीरे धीरे रिड्यूस होगा जब आपके एग्ज़ाम के लिए 2.5-3 महीने का टाइम पीरियड बचे। तो जैसे अगर आपका मात्र 3 महीने बचा है तो फिर आप जो फर्स्ट स्लॉट है जिसमें आप ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो उसका स्लॉट कम से कम करते जाओ, और जो थर्ड स्लॉट है उसका प्रपोर्शन जैसे 2 महीने एग्ज़ाम के लिए बचे हैं प्रीलिम्स के, तो जो थर्ड स्लॉट है उसको फिर आप और भी कम करते जाओ, और फिर वहाँ पे मॉक टेस्ट PIQs प्रीलिम्स के उनको फोकस करते जाओ। तो इस तरीके से आपको करना है, मतलब अभी फ़िलहाल के लिए जब तक आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे प्रीलिम्स मेंस को साथ में लेकर चला, एटलीस्ट 2-2.5 मंथ्स जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए बचते हैं, और इस स्लॉट में पढ़ाई करना है। एक पूरा जीएस का स्लॉट है, एक पूरा मात्र ऐसे सब्जेक्ट जो खाली मेंस में आए, चाहे इथिक्स का हो ऐसे की बात करें, और एक स्लॉट आपका है जो कि जो है ऑप्शनल का है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी और जो बैलेंस है वो बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, UIS चैनल को। ऐसे बहुत सारे जो डिस्कशन आस्पेक्ट है उस पर जो है हम लोग चर्चा करते रहेंगे। डिस्कशन जो है, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।